हेलो एवरीवन। तो ये है मेरी साइकिल और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग की सैर करने और मौसम का लुत्फ़ उठाने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा है और मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ गड्ढों वाले रास्ते में, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ मैंने करने की कोशिश करी है स्टंट दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाने की, जिससे मैं गिरते गिरते बची हूँ और दोबारा मैंने ये स्टंट फिर ट्राई नहीं किया। आफ्टर साइकिलिंग में फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने आती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बना है। फिर हमें एक प्रोग्राम में जाना था, ACLS प्रोग्राम, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट, तो उसको अटेंड करने जाना था स्किल लैब में। और उसमें हमें कहा गया था कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। पता नहीं क्यों एकदम से बहुत जोश चढ़ रहा है सर्टिफिकेट इकट्ठे करने का, तो PDA में भी चले जाते हैं, यहाँ भी चले गए थे हम। और मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की चीज़ें कि इनके अकेले हम रहेंगे तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और कोई पर्सन अनकॉन्शियस आता है या फिर रोड पर अगर अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो फिर कैसे हैंडल करनी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी और करके भी बताया, मतलब डमी पे ऑब्वियसली करके भी बताया उन्होंने CPR वगैरह कैसे देना है। तो वो बहुत अच्छा सेशन था, प्रॉपरली बहुत अच्छा सेशन था। और उसके थोड़ी देर बाद ही हम वेट करने लगे थे स्नैक्स का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जाने का वहाँ पर, सारे इंटर्न्स का। एक पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई थी ACLS प्रोग्राम में, वहाँ पे जैसे थोड़े टाइम के बाद हमारा कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाता है, तो वही चीज़ सेम चीज़ हुई थी वहाँ पर, हमारा ध्यान खत्म हो गया था, आपस में बात करने लग गए थे। तो एक मैम एकदम से बहुत ज़ोर से डांटती हैं कि ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, और ऑब्वियसली ये सब उन्होंने किया हुआ है तो उन्हें आता भी है, और ये सब मेनली हमारे लिए ही था क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो उनकी डांट के बाद हमारा कंसंट्रेशन लेवल वापस से 100% हो जाता है और हम पूरा ध्यान देते हैं कि कैसे क्या करना। उसके बाद सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ जाता है, ख़त्म होने ही वाला होता है, तो सेशन ख़त्म होने वाला होता है और फिर स्नैक्स आ जाते हैं जिसका हमें इंतज़ार था। तो स्नैक्स आते ही हम उसका इंजॉयमेंट करते हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि MSC ने सारे इंटर्न्स को हॉल में बुलाया है। इसका मतलब ये होता है कि हमें डांट पड़ने वाली, किस बात पे ये हमें वहीं जाके पता लगेगा, पर डेफिनेटली डांट पड़ने वाली है। तो सब इकट्ठे होके जाते हैं और ये हम खड़े हैं डांट खाने के लिए रेडी एकदम। डांट खाने के बाद हम खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। एक्चुअली पता है डांट हो या फिर प्रेज मिले और ग्रुप में मिले ना, तो फिर वो फनी ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।